तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मैं रैंक पुश करता कैसे हूँ, क्योंकि ना ही तो मेरे पास इस आईडी में कोई भी गन स्किन है और कोई भी खास चीज़ नहीं है, और उसके बाद भी मैंने दो ही दिन में हीरो एक लगा लिया है। मेरा स्कोर 3333 हो चुका है, मतलब 3333, और ये स्कोर मैंने सिर्फ और सिर्फ दो दिन में ही करा है, और वो भी बिना गन स्किन के। और कुछ बंदे बोल रहे थे कि तुम्हारे पास मेरे को गन स्किन दिख गई है, तो वो गन स्किन मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए मिली थी, वो भी एयर ड्रॉप के अंदर। और अगर वो मेरे को परमानेंट भी मिलती तो मैं उसको इक्विप करके नहीं खेलता, क्योंकि आप लोगों के पास भी ज्यादातर गन स्किन नहीं होती है, और कुछ बंदे सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं और रैंक पुशिंग करना छोड़ देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी गन्स बताने वाला हूं जिनसे आप लोग इजीली गन स्किन वालों को भी बीट कर सकते हो। मतलब अगर सामने वाला ओपोनेंट जो है उसके पास M10-3 है शॉर्ट रेंज में, तो आप लोग कौन सी गन यूज कर सकते हो, क्योंकि ड्रैगो M10 का रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा है कि बंदों को लगता है कि उसके आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता है। लेकिन उसको टक्कर देने वाली एक गन है जो कि बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है शॉर्ट रेंज के लिए। उस गन का रेट ऑफ फायर और डैमेज इतना ज्यादा है कि आप लोग बिना गन स्किन के ड्रैगो M10 वाले बंदे को हरा सकते हो इजीली। और अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ऐसी कौन सी गन है, और मैं बस हाइप बनाता जा रहा हूं और आप लोग को अभी तक नाम भी नहीं बताया है, तो उस गन को आप लोग बाद में देख लेना। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को लैंडिंग कहां पे करनी है। तो सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है कि आप लोग को पुर्गेटरी मैप को और नेक्स्ट्रा मैप को डिलीट कर देना है। और अभी कुछ बंदे बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट्रा मैप हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री फायर मैक्स में उसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आप लोग के फोन में बिना लैग के चलेगा, और ऊपर से आप लोग नेक्स्ट्रा मैप और पुर्गेटरी मैप को भी डिलीट कर सकते हो। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास लो एंड डिवाइस होता है, उल्टा वो फ्री फायर मैक्स में खेलते हैं, तो मैं उनको ये चीज सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोग को बिना लैग के खेलना है तो आप लोग नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हो क्रोम से, क्योंकि क्रोम वाला जो वर्जन होता है वो बहुत ज्यादा लाइट होता है, जिससे आप लोग का फोन जो है बहुत ज्यादा कम लैग करेगा, जिससे आप लोग इजीली रैंक पुशिंग में फोकस कर सकोगे। और जिस बंदे को भी नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड करना हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए वीडियो ले आऊंगा अपने सेकंड चैनल पे। और अभी हम लोग फोकस करते हैं अपने मैच की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग ने ऑलरेडी बकवास कर लिया है। तो सबसे पहले तो आप लोग को लैंडिंग कर लेनी है कार्टुलिस्टी टावा पे, या फिर जो भी आप लोग की फेवरेट जगह है। तो मैं तो ज्यादातर कार्टुलिस्टी टावा पे उतरता हूँ, और आप लोग भी यहाँ पे उतर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आता है। 90% चांस होते हैं कि यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आता है, लेकिन अगर कई बार बंदे आते भी हैं तो वो लॉन्च पैड पकड़ के डायरेक्ट कहीं और चले जाते हैं। और अगर कोई बंदा रुकेगा भी तो आप लोग का फायर पावर इतना तो होगा ही कि उसको आप लोग इजी पीजी मार सकते हो। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में वो बंदा आप लोग को पेल जाता है तो आप लोग को फिर कहीं और उतरना है। उसके बाद आप लोग ऐसी जगह पे उतर सकते हो जहाँ पे आप लोग को लगे कि यहाँ पे को थोड़ी बहुत तो लूट मिल जाएगी, और उस जगह का कोई भी नाम ना हो, मतलब वो जगह अननेम्ड हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि कोई भी बंदा ना हो और ऊपर से आप लोग को थोड़ी बहुत तो लूट मिल सकती है, जिससे आप लोग मैच को इजी पीजी माइनस होने से बचा सकते हो, उल्टा प्लस लेके आप लोग उस मैच से आ सकते हो। तो अभी लैंडिंग की बात तो हो चुकी है, और अभी मैं बढ़ता हूं गन्स की तरफ कि आप लोग को कौन सी गन्स यूज करनी चाहिए। तो शॉर्ट रेंज के अंदर अगर आप लोग को शॉर्ट गन चलानी आती है और उसमें ड्रैगन चलानी आती है, तो भाई तब तो आप लोग तबाही मचा दोगे, M10 को भी आप लोग टक्कर दे दोगे। ड्रैगो M10 जो है मतलब वो भी कुछ नहीं कर पाएगी आप लोगों का फिर। तो स्टार्टिंग से मैं इसी गन की तारीफें कर रहा था अभी तक। और अगर आप लोग से ड्रैगन यूज करनी आती है और आप लोग के पास कोई भी गन स्किन नहीं है शॉर्ट रेंज की गन की, तब आप लोग ड्रैगन को यूज कर सकते हो। अगर यूज करनी नहीं आती तो आप लोग सीख भी सकते हो। और लॉन्ग रेंज में आप लोग को जो ओवरपावर्ड गन लगे उसको आप लोग यूज कर सकते हो, जैसे कि स्नाइपर वगैरह को। और अभी अगर मैं बात करूं लोड आउट की, तो आप लोग को ये वेंडिंग मशीन वाला जो लोड आउट है इसको जरूर लेके आना है, क्योंकि ये जो लोड आउट है आप लोग कहीं भी इसको मंगा सकते हो, और इसके अंदर इतनी तगड़ी अच्छी खासी लूट मिल जाती है ना कि आप लोग इसको जैसे ही मंगाओगे आप लोग को गन्स मिल जाएंगी। जैसे आप लोग फैक्ट्री के ऊपर उतरे और वहां पे आप लोग ने इसको ऑन करा, तो आप लोग को MP5 मिल जाएगी, जिससे आप लोग पूरे फैक्ट्री के बंदों को मार सकते हो, और वो बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इतनी जल्दी गन लाया तो लाया कहां से है। और इस वाले लोड आउट की वेंडिंग मशीन में आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाती है, जैसे कि आप लोग इंजेक्शन ले सकते हो और कहीं भी आप लोग इसको मंगा सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि आप लोग मैप में इसको सिर्फ और सिर्फ दो ही बार मंगा सकते हो। तो अगर आप लोग को यूज करना हो तो आप लोग स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, और उसके बाद जब आप लोग को कॉइन मिल जाए तब आप लोग इस वाले लोड आउट को यूज कर सकते हो और अपनी लूट को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं अपनी फाइटिंग की। तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी बंदे को देख लेते हो और आप लोग को ऐसा लगता है कि वो बंदा जो है मेरे को भी देखने ही वाला है, तो आप लोग को उस टाइम पे उसको सरप्राइज अटैक दे देना है। जैसे कि ये बंदा जो है मशरूम लूटने वाला था, और उसके बाद अगर मैं बैकअप भी लेता तो इतने में ये बंदा जो है मशरूम खा के मेरे को देख के उल्टा मेरे ऊपर फायर करना शुरू कर देता, इसीलिए मैंने इस बंदे को एकदम सरप्राइज अटैक दिया और उसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। लेकिन इस बंदे ने अपने आप को पैक कर लिया,
फिर भी मैं नहीं रुकने वाला था और मेरे पास थी M82B, तो मैंने इसको डैमेज दे के परेशान कर दिया था। और इसका वॉल जैसे ही टूटा मैंने इसको फिर से थोड़ा बहुत डैमेज देके खत्म कर दिया। और फाइनली हम लोगों ने इस बंदे से तो अपनी फाइट जीत ली है। और उसके बाद अगर आप लोग कैरेक्टर स्किल यूज करना चाहो तो आप लोग मेरी जैसी कैरेक्टर स्किल को यूज कर सकते हो, जिससे मैं जो है सोनिया वाले बंदों को बहुत इजीली मार देता हूं। मतलब जैसे ही बंदा सोनिया बनता है और मैं ओरियन कैरेक्टर ऑन करता हूं तो बंदा तुरंत मर जाता है, वो 3 सेकंड के टाइम से पहले ही मर जाता है। मतलब अगर आप लोग ने सोनिया बनाया बंदा तो तभी आप लोग को ऑन कर देना है अपना ओरियन कैरेक्टर की स्किल को, तब बंदा आप लोग इजी पीजी मार सकते हो और सोनिया वाले भी आप लोग से परेशान हो जाएंगे। और उल्टा जो बंदे सोनिया यूज करते थे वो ओरियन कैरेक्टर को यूज करने लग जाएंगे, क्योंकि ओरियन कैरेक्टर मेरे को कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड लगता है। आप लोग को कैसा लगता है, अगर आप लोग यूज करते हो तो मेरे को बताना जरूर से कमेंट सेक्शन में। और ओरियन कैरेक्टर के साथ आप लोग यूज कर सकते हो मिगुएल को, जिससे आप लोग जैसे ही किसी बंदे को मारोगे या फिर डाउन करोगे तो आप लोग को 200 EP मिल जाएगी, और उस EP से आप लोग इजी पीजी फिर से ओरियन कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। तो उससे आप लोग को मशरूम खाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप लोग को बंदे को मारोगे वैसे ही आप लोग को EP मिल जाएगी और फिर से ओरियन बन के इजीली किसी भी थर्ड पार्टी से बच सकते हो। तो आप लोग भी सोनिया डिमित्री को छोड़ के ओरियन कैरेक्टर का यूज कर सकते हो और अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी कुछ बंदे सोनिया डिमित्री को यूज कर रहे हैं तो अपनी स्किल्स को घटा रहे हैं। मतलब पहले के टाइम पे मैं भी इसी कैरेक्टर स्किल को यूज कर रहा था तो मेरे को बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए मिला था अपने गेम प्ले में, मतलब काफी ज्यादा डाउन हो गया था मेरा गेम प्ले भी। लेकिन फिर मैंने ओरियन कैरेक्टर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था और उससे बंदे भी मैं इजी पीजी मार देता हूं। जैसे आप भी आप लोग देखो ये बंदा जो है होपलेस हो गया था, ओरियन से काफी ज्यादा बंदे जो है होपलेस भी हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो भी लोग मर जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि बंदे जो है कब कब आने लगते हैं गेम खेलते में, क्योंकि जब आप लोग ओरियन बन जाते हो तो उन लोग के दिमाग में कुछ नहीं आता, क्योंकि वो आप लोग उस टाइम पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो वो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई अब मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं, और जितने में वो बंदे सोचते हैं उतने में तो आप लोग उनको पेल के भी चले जाते हो। तो अभी हम बढ़ते अपनी अगली चीज की तरफ जो कि है सर्वाइव। तो आप लोग को किसी ऐसी जगह को ढूंढ लेना है जहां पे आप लोग को लगे वहां पे ज्यादा बंदे ना आए और आप लोग इजी पीजी वहां पे अगर बंदे भी आए तो आप लोग उनको मार सको। जैसे कि मैंने यहां पे इस वाली जगह पे काफी ज्यादा देर तक कैंपिंग करी और उसके बाद एक बंदा आया जो कि मेरे ऊपर अंधों की तरह रश कर रहा था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मेरे पास भी ओरियन है। तो मैंने उसको जैसे ही सोनिया बनाया उसके बाद तुरंत मैंने अपना ओरियन को एक्टिव कर लिया और वो बंदा बेचारा मर गया, और वो भी सोच में पड़ गया होगा कि किस टाइप से इसने मेरे को मार दिया। तो आप लोग को भी कुछ इस टाइप की जगह ढूंढनी है जहां पे आप लोग इजी पीजी कैंपिंग कर सको और अगर बंदा आए तो उसको भी मार सको एकदम सरप्राइज अटैक देके। तो यहां पे मैं फिर से लग गया था अपनी सर्वाइव करने, क्योंकि मेरे को बुइया भी निकालना था और प्लस भी मेरे को अच्छा खासा चाहिए था, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप लोग बुइया करते हो तो आप लोग को 5+ एक्स्ट्रा मिलता है, तो उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आप लोग भी 2-4 किल करने के बाद बुइया पे फोकस करके इजी पीजी हर एक मैच को निकाल सकते हो। अगर आप लोग को मैच को निकालना है तो आप लोग को किल्स के बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाना है, क्योंकि लास्ट जोन में आके आप लोग को 2-4 किल तो मिल ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बंदा मेरे ऊपर रश करने आया और लगभग इसने मेरे को मार ही दिया था, और मेरी लगभग ये बंदा जो है पूरी HP खाई गया था। उसके बाद यहाँ पे ये जो है फिर से हॉपलेस हो गया। देखो मतलब इसने लगभग मेरे को मार दिया था, लेकिन उल्टा ये बंदा हॉपलेस हो गया क्योंकि मेरे पास था ओरियन और ये बंदे ने अपने आप को ही पैक कर लिया, जबकि HP मेरी लो थी। तो आप लोग ओरियन कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे उसके बाद ये बंदा जैसे ही पैक हुआ मैंने M82B का कमाल दिखाना शुरू कर दिया और इस बंदे की मैंने लगभग 150 HP खा ली। और फिर उसके बाद मैंने इसका जैसे ही ग्लूवॉल तोड़ा इसने एक और ग्लूवॉल लगा दिया, और फिर उसके बाद मैंने फिर से इसके वॉल के पार मारने की कोशिश करी, लेकिन जैसे इसका वॉल टूटा ये बंदा बाहर भागने की कोशिश कर रहा था और मेरे पास थी ड्रैगन तो मैंने इसको यहीं पे पेल दिया। तो एक तो मेरे पास परफेक्ट कैरेक्टर स्किल है, ऊपर से मैं परफेक्ट गन्स चला रहा हूँ, मतलब कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा तगड़ा है मेरी गन स्किन्स का कि अगर बंदा पैक भी कर लेता हो तो मैं उसको वॉल के आर पार भी परेशान करते रहता हूँ, और ऊपर से बंदा हॉपलेस हो जाता है क्योंकि मेरे पास है ओरियन कैरेक्टर। तो आप लोग भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोग को M82B भी चलानी आती है और ड्रैगन भी चलानी आती है और ओरियन को भी अच्छे से यूज़ करना आता है, तब तो आप लोग इजी पीजी हर एक मैच को निकाल पाओगे। और एक और चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं इस मैच को इजीली बुइया निकाल सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा बंदा आ जाता है कि जो आप लोग को इजी पीजी मार सकता है। तो आप लोग को बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और आप लोग को हर फाइट को सीरियसली लड़ना है, जबकि सामने वाला बंदा अगर आप लोग को ऐसा लगे कि बॉट है तब भी आप लोग को सीरियसली लड़ना है, क्योंकि कई बार बॉट लोगों का भी फायर पावर इतना अच्छा होता है कि आप लोग को पेल के वो लोग चले जा सकते हैं। भाई अगर रैंक पुशिंग करनी है तो आप लोग को ओवर कॉन्फिडेंस को तो बिल्कुल छोड़ देना होगा कि हाँ भाई इस मैच में तो हम लोग भगा भगा के बंदों को मारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किल निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग एक दो मैच में तो किल्स निकाल लोगे, लेकिन फिर उससे अगले मैच में आप लोग का फिर से माइनस लगेगा और फिर से माइनस लगेगा। अगर आप लोग 5 मैच खेल रहे हो तो उसमें आप लोग के 4 मैच माइनस होंगे और एक आध मैच ऐसा भुइया निकलेगा
कि जिसमें आप लोग को 15-16 किल कर पाओगे। तो मतलब ऐसा ही होता है, रशर जो बंदे होते हैं जो कि सीएस प्लेयर होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर बिहार कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन बंदों के अंदर पेशेंस नहीं होती और वो हर बार रश करते रहते हैं बंदों के ऊपर, इसीलिए वो बार बार मर जाते हैं और इसी वजह से उनके ज़्यादातर मैचेस भी माइनस लगते हैं। तो अभी हम लोग मैच की तरफ फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और बंदा आया था, मतलब सोनिया डिमित्री यूज़र, जिसको भी मैंने फिर से रुला के मार दिया। मतलब ये बंदे जो है मेरे ऊपर ऐसे रश करने आते हैं कि हाँ हमारा सोनिया चार्ज है और हम लोग तो इसको इजी पीजी मार देंगे, लेकिन जैसे उसका सोनिया एक्टिव होता है मैं भी अपना ओरियन एक्टिव कर देता हूँ और बेचारों को लॉबी में भगा देता हूँ। और अभी यहाँ पे मेरी लास्ट फाइट है जो कि 1v1 में की है, और यहाँ पे इस फाइट को मैं बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो बंदा भी मेरे को मार सकता है। तो मैं इस वाली फाइट को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लड़ूंगा और आप लोग भी ऐसा ही करना। अगर सामने कोई गरेना का बॉट भी है ना, तब भी आप लोग को ग्लोबल लगा के फाइट करनी है। ये तो ज़्यादा हो गया, तो चलो छोड़ो। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग को ये वाला कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। और बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।